हम एक बपतिस्मा साक्रमेंट यहाँ संपन्न करने जा रहे हैं। हम सब मिलकर 415 नंबर का गीत गाएंगे और माता पिता और धर्म माता पिता से निवेदन है कि वो अपनी बालिका को यहाँ बपतिस्मा पात्र के पास लेकर आएंगे। हम सब मिलकर 415 नंबर का गीत गाएंगे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। प्रिय मसीहो, परमेश्वर पिता चाहते हैं कि सभी मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को अच्छी तरह पहचाने। वो अपने महाप्रेम के कारण हमको, जो उसकी सहायता के बिना पाप और मृत्यु के वश में रहते हैं, खोजता है। हम जो उसके स्वरूप में सृज गए हैं, वो दुष्टता के वश में छोड़ देना नहीं चाहता। इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को पापियों को बचाने और हमारे मध्य में अपनी कलीसिया को स्थापित करने के लिए भेजा है, जिसमें वो हमको अपनी संतान बना के ग्रहण करता, पाप से शुद्ध करता और सब संतों के साथ स्वर्ग में वारिस होने का अधिकार भी देता है। बपतिस्मा के द्वारा अब हम इस बालिका को इस अनुग्रह और आह्वान में सम्मिलित करना चाहते हैं। अपने अपने हृदय परमेश्वर की ओर आप सब उठाएं। हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का समस्त अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी उन्हें सबका पालन करना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस 10:13-19 में ये कहा, लोग बालकों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाने लगे कि वो उन पर हाथ रखे, पर शिष्यों ने उन्हें रोका। यीशु ने ये देख क्रोध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि कोई परमेश्वर के राज को बालक की तरह स्वीकार ना करे तो वो उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। तब उसने बालकों को गोद में लिया, उनके सिर पर हाथ रखे और उन्हें आशीर्वाद दिया। इसलिए अब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार मसीह प्रेम के साथ इस बालिका को प्रभु के पास लाना चाहते हैं और संपूर्ण मन से इसके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इसको ग्रहण करके अपना अनुग्रह
और आशीष प्रदान करे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला पर बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सदा तेरे हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर असीम अनुग्रहकारी है, जो सब बुराइयों से हमारी रक्षा करता, जिसने इस बालिका को स्वर का भागी होने के लिए हमारे त्राता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बुलाया है। वो इस बालिका को अंधकार के वश से छुड़ाए और अपनी सच्चाई और भय में आप और सर्वदा रखे, आमीन। जिस मसीह विश्वास को सार्वभौमिक कलीसिया स्वीकार करती है, और इसी विश्वास वचन पर इस बालिका को बपतिस्मा भी दिया जा रहा है, हम सब अपने स्थानों में खड़े होकर विश्वास वचन को में सम्मिलित होंगे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र है और हमारा प्रभु है। वो पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, और पिलात के अधिकार में दुख होगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक तो उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और स्वर शक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहाँ से वो जीवितों और मृतों को न्याय करने आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया पर, पवित्र लोगों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर, आमीन। अब मैं तुझ अलसी का कर्मकर को परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तू जो निरंतर अपनी कलीसिया को संभालता है, हम सब हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने इस बालिका अंशिका करवरकर को नए सिरे से जन्माया है। जैसे तूने अपने पैतृक अनुग्रह से ग्रहण किया है, वैसे ही इसे अपने प्रेम में बनाए रखना। ये घोर अंकार की तराई से होकर चलेगी मार्ग में इसका संचालन करना। इसका जीवन तेरे हाथों में है, अंत तक इसके साथ रहना और जीवन समाप्त होने पर उचित समय पर इसको अपने सनातन राज में ग्रहण करना। यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा हमारी सुन, आमीन। प्रभु तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमका, तुझ पर अनुग्रह करे। प्रभु अपने मुख तेरी ओर फेरे और तुझे शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। प्रिय मसीह, पवित्र बपतिस्मा के द्वारा विश्वस्त परमेश्वर पिता ने अंशिका करबरकर को अपनी वाचा में अपनाया है। आप सभी घराने, मंडली, प्राचीन और धर्म माता पिता का ये परम कर्तव्य है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी है उसे बचपन से मानना आपको सिखाना है, अर्थात कि परमेश्वर के वचन में इस बच्ची को आगे बढ़ाना है। परमेश्वर आप सबों को ये वरदान दे कि आप अपने कर्तव्य को जानकर प्रेम के साथ इसे संभालो, इसके लिए आदर्श बनो, आचरण में इसके लिए आदर्श बनो और प्रभु यीशु मसीह के
इस पवित्र वचन को कभी ना भूलो कि जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। इसके लिए परमेश्वर अपना अनुग्रह आप सबों को बहुतायत से प्रदान करें। परमेश्वर हमारा पिता अपनी महिमा के धन के अनुसार हम सबको ये वरदान दे कि हम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर सशक्त हो जाएं और विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सबों के हृदय में निवास करें। परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी अब है और सदा से सदा लो होगी। आमीन। प्रभु के कुशल से जाइए। हम आप सभी भक्तों का इसी पवित्र रविवारीय आराधना में हार्दिक स्वागत अभिनंदन में करता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, अपना बोझ प्रभु पर डाल दो, वो तुम्हें शक्ति देगा। हम परमेश्वर को पुकारेंगे, वो हमारी रक्षा करेगा। शांति पूर्वक वो हमारी आत्मा का उद्धार उसने किया है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु मेरी सामर्थ, मैं तुझसे प्रेम करूँगा, क्योंकि तू ही हमारी चट्टान, किला और त्राता है। आइए हम अपनी भक्ति को गीत गाकर प्रारंभ करेंगे। गीत नंबर 31 गाकर, गीत नंबर 31, परम पिता की स्तुति गाइए। Oh,
और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। प्रभु में प्रिय आओ, हम सच्चे मन से अपने पिता परमेश्वर के निकट आकर अपने पापों को स्वीकार करें और उससे ये प्रार्थना करें कि वो प्रभु यीशु के नाम से हमारे पापों को क्षमा करें। हमारी सहायता प्रभु के नाम में है। मैंने कहा कि मैं अपने प्रभु के सामने अपने पापों को स्वीकार करूंगा, तो कि मैं मेरे पापों को क्षमा किया। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता और त्राता, हम अदम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव ही से पाप में और अशुद्ध हैं और कि हमने मनसा वाचा और कर्मणा से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरी अपार दया की शरण लेते हैं। तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह के द्वारा हम अनंत जीवन पाएं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। तुम्हारे इस स्वीकृति पर मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार तुमको, जो सच्चे मन से पश्चाताप करते हो, उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ। आमीन। त्रय के बाद का रविवार का इंट्राइट आराधना की किताब में पेज नंबर 78 78 पृष्ठ पर हमें मिलता है। त्रय का बाद पहला रविवार। हे यहोवा, मैं तेरी करुणा पर भरोसा रखता हूँ, मेरा हृदय तेरे किए हुए उद्धार से मगन होगा। मैं यहोवा के लिए नया गीत गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। हे प्रभु, तू कब तक मुझे भुलाए रहेगा, कब तक मुझसे अपना मुंह छिपाए रहेगा। परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की
जिनसे वो प्रसन्न है। और मानो सोने परमेश्वर पिता, तो उनको जो तुझ पर भरोसा रखते हैं बल है, अनुग्रह करके हमारी प्रार्थनाओं को सुन। और इसलिए कि हम अपने नश्वर स्वभाव के कारण तेरे बिना कोई भी भला और अच्छा काम करने में असमर्थ है, इसलिए अपने अनुग्रह की सहायता हम सबको दे कि हम तेरी आज्ञाओं को मानकर मनसा वाचा कर्मण से तुझे प्रसन्न कर सकें, क्योंकि तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ सदा एक परमेश्वर युगानुजीता राज करता, इस बिंदु को मांगते सुनो ग्रहण कर, आमीन। हम पुराने नियम से पाठ सुनेंगे जो हमें मिलता है उत्पत्ति की किताब उसका 12वां अध्याय और पद 1 से लेकर 4 तक। और इस पाठ को पढ़ने के लिए मिसेस एम जॉन प्रकाश सामने आकर वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति 12:1-4। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझको एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा महान कहलाऊं और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा,
और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हारान देश को निकला उस समय वो 75 वर्ष का था। प्रभु जी अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। हे पवित्र परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हे अनादि परमेश्वर, हम पर दया कर। आइए हम पत्री के पाठ को भी सुनेंगे जो हमें मिलता है, पहला योहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय पद संख्या 16-21। और इस पाठ को श्रीमती गरिमा राहुल यादव पढ़ने में अगुवाई कर रही है। आज के दिन के लिए ठहराया हुआ पत्री का पाठ पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय पद 16-21 तक। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन याव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हमें आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर गीत गाएंगे, गीत नंबर 36, गीत नंबर 36। Thank you.
आइए हम अपने अपने मनों को परमेश्वर पिता की ओर उठाकर आज के दिन के लिए ठहराए हुए सुसमाचार के पाठ को सुनेंगे, जो लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और पद संख्या 19 से लेकर और पद 31 तक हमें मिलता है। हम सब खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों में और इस पाठ को सुनेंगे। ये बहुत अच्छा वर्णन है, धनी मनुष्य और निर्धन लाजर का वर्णन यहाँ पर है। लिखा है, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे।
क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वो यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी घड़ा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा में की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। ये यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। प्रभु यीशु की स्तुति और महिमा हो। आइए हम सब मिलकर अपने विश्वास वचन को स्वीकार करेंगे, नाइसिन विश्वास वचन के अनुसार। संख्या 5 पर नाइसिन विश्वास वचन। मैं विश्वास करता हूँ एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी और सब दृश्य और अदृश्य पदार्थों का करता है। मैं विश्वास करता हूँ एक यीशु मसीह पर, जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, सर्वयुगों से पहले वो पिता से उत्पन्न हुआ, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, सृजा हुआ नहीं, पिता के साथ एक तत्व है, जिसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। वो हम मनुष्यों के लिए और हमारे प्राण के लिए स्वर्ग से उतर आया, पवित्र आत्मा के द्वारा कुमारी मरियम से शरीरधारी हुआ और मनुष्य बना, पौन पिलात के अधिकार में हमारे लिए क्रूस पर चलाया गया, दुख भोगा, कब्र में रखा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर बैठा है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने को महिमा के साथ फिर आएगा, उसके राज्य का अंत ना होगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, जो प्रभु और जीवन दाता है, वो पिता और पुत्र से निकलता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है, उसने नबियों के द्वारा बातें की। मैं विश्वास करता हूँ एक पवित्र विश्वव्यापी प्रेम की कलीसिया पर, मैं मानता हूँ एक बपतिस्मा जो पाप क्षमा के लिए है, और मैं मृतकों के पुनरुत्थान और आगामी जीवन की राह देखता हूँ। आमीन। आइए हम सब मिलकर 466 नंबर का गीत गाएंगे। 466
कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन को सुने जो कि एक सच्चे चेले यीशु के पीछे चलने के अर्थ के संदर्भ में है। मैं चाहूँगा कि हम सब मिलकर इस समय 573 नंबर का गीत गाएंगे, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा। प्रभु में आप सभी मित्रों को प्रभु यीशु मसीह में अनुग्रह और शांति और मेरा सलाम मिलता रहे। आज के पवित्र विश्रामवार का दिन, जबकि हम सब ऐसी परिस्थितियों में हैं कि हम चाहते हुए भी भजनालय जाकर आराधना में सम्मिलित नहीं हो सकते, और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ऑनलाइन सर्विस के द्वारा हम प्रभु की संगति और आशीष में बढ़ते चले जा रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि इस ऑनलाइन सर्विस में आप सब लोग आत्मिक आशीषों को
प्रभु की ओर से प्राप्त कर रहे हैं, और मेरा और आपका रूबरू एक दूसरे से आमने सामने से मिलना तो नहीं हो रहा, लेकिन इस संचार के माध्यम से हम प्रभु में एकजुट और उसकी आराधना में सम्मिलित होते हैं। यही मेरे और आपके लिए सबसे बड़ी बात है। आज के पवित्र रविवार के लिए जो उपदेश का पाठ ठहराया हुआ है हमारी मसीह एल्मेनक कैलेंडर के अनुसार, वो मत्ती रची सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और पद संख्या 24 से लेकर पद 28 तक की है। मैं इसको पढ़ूंगा और इस पाठ की संक्षिप्त पद व्याख्या मैं समय के अनुसार करने पाऊंगा। मत्ती 16 पद 24 से 28 जहाँ इस प्रकार से लिखा है, यीशु के पीछे चलने का अर्थ, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वो हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस ऑनलाइन चर्च सर्विस के माध्यम से फिर से हम सबों को अवसर दिया कि हम अपने घरों में बैठकर और जहाँ कहीं भी हम रहते हैं प्रभु, हम इस संचार माध्यम के द्वारा आपकी आराधना में सम्मिलित होकर आपके वचन को सुनते हैं, आपकी आराधना स्तुति करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं और आप हमारी दुआओं को सुनकर हम में से प्रत्येक के जीवन में अपनी आशीष देते हैं, क्योंकि आपका वायदा है कि मैं तुम्हें जगत के अंत तक कभी ना छोड़ूंगा। चाहे संसार में कैसी ही परिस्थिति क्यों ना हो, जब हम प्रभु तेरे हैं तो तुझे हमारी चिंता है और तू हमारी रक्षा करता है, हमारे जीवन को बचाता है, और तू चाहता कि हम आत्मिक रूप से सदा लो आपकी पवित्र संगति में बने रहें, और विशेष रूप से जो अनमोल वचन आपने हमें दिया है हम उस अनमोल वचन को अपने जीवन में आत्मसाध करें और उसके अनुसार चलकर अपने लिए बहुत से लोगों के लिए आशीष के कारण ठहर सकें। आज जो उपदेश का पाठ प्रभु हमने पढ़ा है मत्ती 16 24 से 28, इसको समझने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें दे कि हम तेरे ही आत्मा की अगुवाई में तेरे पवित्र वचन के भेद को समझ सकें, और प्रभु आप जैसा चाहते हैं हम आपके पीछे चलकर जीवन में बहुत आयत की आशीष आपके द्वारा प्राप्त करें। सभी श्रोताओं को प्रभु इस वचन से आशीषित कर और अपनी उपस्थिति हम सब के बीच में दे। धन्यवाद, आपने विनती सुना है, यीशु मसीह ख्रिस्त के नाम से मांगते सुनो ग्रहण कर, आमीन। प्रिय मित्रों, पिछले रविवार आपने मिस्टर एस तिमोथी के द्वारा चेलों के उत्तरदायित्व को या उनकी सेविकाएँ के विषय में महान आदेश जो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रची सुसमाचार के 28वें अध्याय में दिया, आपने सुना कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को सिखाया कि वे जगत में जाकर और सुसमाचार का प्रचार करें
और एक सच्चे शिष्यत्व, एक सच्चे और अच्छे चेले के रूप में वे प्रभु के गवाह या उसके अनुयायी होने का परिचय वे दें। और उन्होंने ये भी बताया कि उन चेलों ने प्रभु के कार्य को, सुसमाचार के कार्य को बड़े आत्मिकता में और बड़े उत्साह के साथ उन्होंने किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि बहुत से चेले लोग शहीद हुए। और उन्होंने बताया कि कौन कौन सा चेला किस रूप से शहीद हुआ, और इस प्रकार से हमने एक सच्चे शिष्यत्व या एक चेले के जीवन के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के चेलों के विषय में सीखा कि उनका जीवन प्रभु के पीछे चलने के द्वारा कैसा था, और उनके सेवा के द्वारा लोगों ने किस प्रकार की आशीषों को परमेश्वर की ओर से प्राप्त किया। एक बहुत ही सटीक और बहुत अर्थपूर्ण वचन उनके द्वारा हमने सुना। आज भी उसी लिंक में ये पवित्र वचन है कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बता रहे हैं कि यीशु मसीह के पीछे चलने का या क्रूस उठाकर अपने आप का इनकार करके यीशु मसीह के साथ चलने का क्या अर्थ है। इन पदों में प्रभु यीशु मसीह अपने पीछे आने वाले अनुयायी चेलों के लिए सेवा की शर्तों को या उसके अर्थ को यहाँ प्रकट कर रहे हैं। यदि कोई मनुष्य, प्रभु कहता है, मेरा अनुयायी या मेरा चेला बनना चाहता है तो वो अपने आप को त्याग दे, अपने आप को। बहुत कठिन और बहुत ही ये ऐसी बात है, अपने आप को त्यागना एक कार्य के लिए, प्रभु के लिए बहुत कठिन कार्य है। लेकिन जब हम इस पद व्याख्या में प्रभु यीशु मसीह के अर्थ को देखते हैं तो अपने आप को त्यागने का अर्थ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा विद्वान जो है वो इसका अर्थ इस प्रकार से समझाता है। आपको मालूम है कि जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया तो पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, और पतरस ने क्या कहा, इस मनुष्य को मैं नहीं जानता। ये पतरस का नकारना प्रभु यीशु मसीह के उस दुख भोग के समय अपने आप को सेव करना, अपनी जान को बचाने का एक महत्वपूर्ण या एक उसका एक ऐसा अपनी इच्छा थी, और इसलिए पतरस ने अपने प्रभु यीशु मसीह का इनकार सबके सामने किया। लेकिन बाद में वो पछताता है, वो रोता है, और वही पतरस प्रभु यीशु मसीह का एक अच्छा शिष्य बनकर और प्रभु के लिए बड़े बड़े काम करता है। उसने प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। आज मेरे और आपके इस विश्वासी जीवन में बहुत से ऐसी परिस्थिति आती, बहुत से ऐसे समस्या आती है, बहुत सी ऐसी चिंता आती, बहुत से ऐसे मुझको और आपको ऐसी बातों का, ऐसी समस्याओं का, ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां हम प्रभु को भूल जाते हैं। हम प्रभु को दूसरे के सामने स्वीकार करना नहीं चाहते या प्रभु का नाम लेना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे जीवन में वो चिंताएं, वो परेशानी, वो परिस्थिति है जो हमें क्रोधित करती है, हमें अपने आप को बचाने के लिए या दुख से भागने के लिए वो हमें एक प्रकार से सेव करती है। और कभी कभी हम प्रभु का इनकार अपने जीवन में, अपने कार्यों में कर जाते हैं। जो विद्वान है वो कहता, अपने आप को त्यागने का अर्थ ये कहना, मैं अपने आप को नहीं जानता। ये है अपने आप को त्यागना, अर्थात कि मैं अपने को नहीं जानता। इसका अर्थ ये भी है कि अपने अस्तित्व को ही स्वीकार ना करना। फिर वो कहता है इसका अर्थ कि मानो मेरा कोई अस्तित्व है ही नहीं। सामान्यतः हम ऐसा व्यवहार करते हैं कि हमारा अपनापन
संसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हर एक मनुष्य ये चाहता है कि उसका जो जीवन है, उसका जो अपनापन है, संसार में सबसे अधिक उसके लिए महत्वपूर्ण है। यदि हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है तो हमें और उन लोगों को जो ये दावा करते हैं कि हम प्रभु के भक्त हैं, प्रभु के चेले हैं, प्रभु के शिष्य हैं, प्रभु के कार्य करने वाले हैं, उनको मैं अर्थात अहम को, अपने ईगो को, अपने घमंड को मिटाना पड़ेगा और ये भूल जाना है कि मेरा कोई अस्तित्व है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है वो टोटल परिवर्तन के साथ, पूरे समर्पण के साथ वो चाहता है कि उसके शिष्य उसकी संगति में रहकर उसके लिए कार्य कर सकें। आज संसार में मनुष्य घमंडी हो गया है। उसका कारण यह है कि संसार में मनुष्य बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया है, संसार में उसने बहुत वैज्ञानिक रूप से खोज कर लिया है। चंद्रमा में तो पहुंच गए, मंगल ग्रह में भी प्रयास हैं, अभी प्रयास किया गया भारत के द्वारा, और भी देश अब तो मानव को भी उस ग्रह में प्रवेश करने के लिए वो योजना बना रहे हैं। ज्ञान बढ़ता चला जा रहा है, यहाँ तक कि बीमारियों की चंगाई के लिए लोगों ने, वैज्ञानिकों ने एक महत्वपूर्ण औषधियों को भी बना लिया है। आज के समय में, आज की परिस्थिति में पूरे विश्व में कोरोना वायरस फैला हुआ है और दुनिया के सारे वैज्ञानिक लोग लगे हुए हैं कि किसी न किसी प्रकार से एक वैक्सीन या टीका बना दिया जाए ताकि इस महामारी से, इस बीमारी से लोग मरे नहीं लेकिन बचाए जाए। भयंकर से भयंकर बीमारी को दूर करने में मेडिसिन का आविष्कार और नई नई चिकित्सा टेक्नोलॉजी का वे आविष्कार कर रहे हैं, लेकिन मन को चंगा रखने के लिए परमेश्वर हमें उसकी बातों को वो नहीं पा रहा है, तो ये सब कुछ मनुष्य के लिए व्यर्थ ही है। ये सब कुछ मनुष्य के लिए व्यर्थ है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे मस्तिष्क आज वर्तमान इस युग में ज्ञान से लबालब भरे हुए हैं, लेकिन हमारी आत्माओं के भीतर एक आत्मिक खालीपन है और उस आत्मिक खालीपन के कारण आज दुनिया में नाना प्रकार की परेशानी और कठिनाई मनुष्यों के जीवन में दिखाई देती है। यदि वास्तव में हर एक से पूछा जाए कि वास्तव में आपका जीवन शांतिपूर्ण है, तो उसके अंतर आत्मा से ये आवाज़ निकलेगी, नहीं, पूर्ण शांति मेरे जीवन में नहीं है। उसका कारण यही है कि हमने आत्मिक बातों पर मन नहीं लगाया और इसलिए हमारी अंतर आत्मा में आत्मिक खालीपन है, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने पीछे चलने वाले शिष्यों के लिए सबसे पहले अपने मनों को तैयार करने के लिए उनके जीवन से आत्मिक खालीपन को दूर करने की वो सलाह देता है, और सबसे बड़ी सलाह देता है कि शैतान की योजनाएं, शैतान के चंगुल में, शैतान के बहकावों में वे कभी ना आए। बाइबल हमें ये बताती है कि शैतान एक महान धोखेबाज है और उसने खुद को हमारे आत्म छल तथा इस संसार के मध्य मौजूद विभिन्न प्रकार के छल, कपट, ठगी, अव्यभार, व्यविचार, नाना प्रकार के पाप के प्रति मनुष्य को समर्पित कर दिया है, और शैतान के इन कार्यों में मनुष्य उसकी अभिलाषाओं में वो जी रहा है, दौड़ता चला जा रहा है, और इसलिए उनके जीवन में आत्मिक खालीपन है। शैतान हमें ये विश्वास करने के लिए अगुआ करता कि हम ये कहें कि जो कुछ हो रहा है सब ठीक होता जा रहा है, जबकि वास्तव में
एकात्मिक मनुष्य ये समझ सकता है कि सब कुछ वास्तव में बिगड़ता बिगड़ता चला जा रहा है। अदन की वाटिका में उस नाटकीय क्षण से लेकर जब से मनुष्य ने अपनी इच्छा के खातिर परमेश्वर की इच्छा को त्याग दिया, तब से मनुष्य समस्याओं से पीड़ित हो गया। हर एक मनुष्य के जीवन में समस्या आती रही और इस समस्या को, मनुष्य की समस्या को बाइबल में उत्पत्ति तीसरा अध्याय अच्छे से बताता है कि मनुष्य का पतन, मनुष्य का पाप में गिरना शैतान के द्वारा उसके आत्मिक जीवन को प्रभु की संगति से दूर ले जाकर और बर्बाद कर दिया गया है। आज मनुष्य का दूषित या नैतिक और पापपूर्ण स्वभाव है जो उसे घृणा, एक दूसरे से ईर्ष्या, एक अपने लिए लोभ लालच, एक दूसरे से जलन, एक दूसरे से डाह, एक दूसरे की हत्या, एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे को नीचा गिराना, एक दूसरे की हानि, इन सब कार्यों में लगा है। पाप का श्राप मनुष्य के शरीर पर है और वो मृत्यु के भय से हमेशा ग्रसित या पीड़ित रहता है। ये बाइबल की सच्चाई है जो आपको और मुझको एक ऐने के समान दर्शाती है कि आपका और मेरा जीवन ऐसा है। परंतु प्यारे मित्रों, प्रभु इस वचन के द्वारा आपको और मुझको सिखाना चाहता है। उसने आपको और मुझको जो जीवन दिया, ये जो रविवार दिया, ये उसकी इच्छा के लिए मेरे और आपके लिए उसके अभिप्राय को मैं यह है कि मैं इस वचन के द्वारा अपने जीवन को प्रभु के योग बना लूँ, समर्पित कर दूँ, प्रभु के इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीने वाला बनाऊँ। क्योंकि समय बीतता जा रहा है, सेकंड का कांटा मध्यरात्रि की ओर बढ़ता जा रहा है, मनुष्य जाति अब घातक या विनाशकारी गोता या डुबकी लगाने वाला है। हमने पेपरों में पढ़ा है कि भारत के सैनिक और चाइना के सैनिक लद्दाख की बॉर्डर पर लड़ भिड़े। चाइना पड़ोसी देश, पाकिस्तान पड़ोसी देश, और भी यूरोप के और अन्य देश किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे देशों से जलन कर रहे हैं। मनुष्य मनुष्य से जलन कर रहा, एक देश दूसरे देश से जलन कर रहा, वो अपने विकास अपनी उन्नति की ओर सब होड़ में दौड़े जा रहे हैं। इस सृष्टि को जो परमेश्वर ने मानव जाति के लिए सुगत के लिए बनाया, अच्छे के लिए बनाया, इस सृष्टि को वो बम बारूद से नष्ट करने के फिराक में है, युद्ध के लिए वो फिराक में है। और इसलिए आज दुनिया में लड़ाई और झगड़े का एक सिलसिला हम देख रहे हैं। क्या हम या मनुष्य जाति किसी अज्ञात सृष्टिकर्ता या शक्ति के द्वारा बिना इस संकेत के इस संसार में रख दिए गए हैं कि हम कहाँ से आए हैं, हम यहाँ क्यों हैं और हम कहाँ जा रहे हैं, हमें किस दिशा में इस संसार में रहते हुए मुड़ना चाहिए, क्या कोई अधिकारी हमारा है, क्या कोई अधिकार शेष हमारे लिए बचा है, क्या कोई मार्ग है जिसका हम अनुसरण या उसके अनुयायी बन सकते हैं, क्या इस काले अंधकार को भेदने और मिटाने वाला कोई प्रकाश इस संसार में हमारे लिए दिया गया है, क्या हमें कोई संकेत वचन मिला है। प्रभु यीशु मसीह आज के इसी पवित्र मनन के पाठ में प्रभु यीशु मसीह एक अधिकारी के रूप में, एक अपना अगुवा के रूप में, एक मार्ग के रूप में,
एक अच्छे मित्र के रूप में मेरे और आपके सारे पापों को मिटाने के रूप में, मेरे और आपके जीवन के सारे अंधकार को मिटाने के रूप में, मेरे और आपके जीवन को, आत्मा को बचाने के लिए वो आपके और मेरे बीच में आज है। मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन को दे दिया है कि इस पवित्र वचन को पढ़कर हम अपने जीवन में उसकी आशीषों को पा सकते हैं। आज सारी मानवता विश्व पर अत्याचार करने वाले संदेह, भ्रम, दुविधा, नैतिक अव्यवस्था और आत्मिक खालीपन के लिए उत्तर की लालसा में है। सारी मानव जाति जो है वो अगुवाई और ऐसी सांत्वना और शांति के खातिर वो पुकार रही है। जैसे पौलुस कहता है कि सृष्टि आँखें भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों की ओर देख के करारती है। ये खालीपन या शांति कौन दूर करेगा? मेरे और आपकी चिंता को, मेरे आपकी परेशानी को इस युग में जीते जी कौन दूर करेगा? वो दूर करने वाला आपका और मेरा मसीहा है, जो अपने शिष्यों को अपने पीछे चलने के अर्थ को यहाँ बता रहा है। इतिहासकार इस बात की ओर संकेत करते हैं कि इतिहास में कुछ समय ऐसे रहे जबकि मनुष्य भय और अनिश्चितता के अधीन था। सभी परिचित आधार या आश्रय अदृश्य होते हुए प्रतीत होने लगे। हम साथी के बारे में बात तो करते हैं, चाहे परिवार की हो या समाज की हो या देश की हो या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हो, शांति के बारे में हम बात अवश्य करते हैं, लेकिन हर समय हम पर युद्ध का भय छा जाता है, लड़ाई का भय छा जाता है, विरोध का भय छा जाता है, नाना प्रकार के अनियमितताओं का भय छा जाता है। हम सुरक्षा के खातिर विस्तृत युक्तियाँ अपनाते, परंतु हमने सही युक्ति या उपाय को अब तक प्राप्त नहीं किया है। हम हर समय खुद से ये कहते हैं ये मार्ग सही है या हमें वहाँ तक ले जाएगा जहाँ हम जाना चाहते हैं, परंतु हर समय हम गलत साबित होते हैं। आपके और मेरे सोच परमेश्वर की दृष्टि में वो गलती हैं, क्योंकि मेरे और आपके जो सोच हैं वो मुझको और आपको गलत दिशा में ले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर जो सोच से मुझको और आपको मेरे जीवन को ले चलता है, उसके सोच से मैं और आप बढ़ते चले जाते हैं। दूसरा, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाएं। इसका क्या अर्थ है? प्रभु यीशु मसीह भली भांति जानते थे कि क्रूस उठाने का अर्थ क्या है। जब प्रभु यीशु मसीह 11 वर्ष के हुए तो वो अपने माता पिता के साथ सिनागोग में जाते थे, यरूशलेम के मंदिर में। वहाँ पर वो परमेश्वर के वचन को सुनते थे, पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे, और एक बाल्यावस्था से प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को अपने पिता की संगति में रखकर आशीषित पाया। यहाँ पर एक बहुत अच्छा उदाहरण कमेंटेटर बताता है कि जिस समय प्रभु यीशु मसीह 11 वर्ष के थे, तब एक गलीली ने रोम साम्राज्य के विद्रोह में अभियान आरंभ किया और उसका नाम यहूदा था, और बताया जाता है कि उसने सेफोरिस ग्राम में सरकारी शास्त्रागार जो था उसको उसने लूट लिया, और यह ग्राम जो था वो नासरत नगर के पास में था, करीब 6 किलोमीटर दूर। रोमी शासन ने तुरंत भयंकर कार्रवाई आरंभ किया और सेफोरिस को
के गांव को जला दिया। उसके निवासियों को उन्होंने कुछ को गुलाम बनाकर बेच दिया और 2000 विद्रोहों को बताया जाता है कि सड़क के दोनों ओर क्रूज पर टांगा गया ताकि विद्रोही को सीख मिले कि क्रूज उठाने का अर्थ यह है। परमेश्वर की प्रति निष्ठा के लिए ऐसी परिस्थितियों को सहना, इसका अर्थ है कि मनुष्य जो हमारे साथ बुरा से बुरा कर सकता है उसे परमेश्वर के प्रति विश्वास योग बने रहने के लिए हमें सहना चाहिए। यहाँ पर क्रूस जो है वो मेरे और आपके जीवन को प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए, उसके इस बड़े कार्य को इस संसार में प्रकट करने के लिए एक प्रतीक है जिस पर मुझको और आपको प्रभु यीशु मसीह सिखाना चाहते हैं। क्रूस जो है वो अपने आप का इनकार करना सिखाता है। ये मेरे और आपके अहम को, मेरे आपके घमंड को, मेरे और आपकी जो अभिलाषा हैं उसको प्रभु के कार्यों से अलग करना चाहता ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह की एक सच्चे त्याग और उसके बलिदान का अनुभव अपने जीवन में प्राप्त कर सकूं और अपने जीवन में मैं और आप उसकी शिक्षाओं पर चलकर उसके लिए बड़े काम कर सकूं। क्रूस का धर्म वैज्ञानिक जो महत्व है वो इस प्रकार से बताया जाता है कि क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह का अपना प्राण देना मनुष्य के पाप से उद्धार का उपाय बन गया है और ये उपाय परमेश्वर ने किया। यदि आप पहला यूहन्ना पहला अध्याय 36 पद और यूहन्ना 3:16, ये तो कॉमन पद है जो आप सबको आता, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने अकलौता पुत्र दिया, तो ये है परमेश्वर का प्रेम जो उसने क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के प्राण के द्वारा मेरे और आपके लिए किया। क्रूस पर पाप विमोचन का उपाय कर परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह द्वारा एक पापी मनुष्य का अपने साथ मेल मिलाप कर लिया, जैसा पौलुस कहता है। और ये मेल मिलाप का कार्य से ही मेरे और आपके पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह ने पिता की ओर से दे दिया और इसलिए पाप क्षमा फॉर गिवनेस ऑफ सिन, ये पौलुस के अनुसार मनुष्य कर्मों के द्वारा धर्मी नहीं ठहराया जा सकता। परमेश्वर दोषी मानव के पापों को प्रभु यीशु मसीह में क्षमा करके उसे धर्मी ठहराता है। जो मनुष्य यीशु पर विश्वास करता है उसे क्षमा प्राप्त होती है अपने कर्मों के द्वारा, पापों की क्षमा नहीं। और इसलिए मसीहत में मुक्ति कर्म पर आधारित ना होकर वो पश्चाताप और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास लाने से होती है। और इस संदर्भ में पौलुस लिखता है कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु के शरीर से कौन छुड़ाएगा। केवल परमेश्वर वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें छुड़ाएगा, जैसे रोमियो 7:24 में वो कहता है कि मैं अच्छे काम करने का संकल्प तो करता हूँ पर मैं नहीं कर पाता, परंतु जिन बुरे कार्यों का करने का संकल्प नहीं करता वही मुझसे हो जाते हैं। अर्थात मनुष्य अपने प्रयत्नों से अच्छा कार्य करता है वो ईश्वर की दृष्टि में गंदी धज्जियों के समान है। वो प्रभु यीशु मसीह पर ही विश्वास के द्वारा वो सच्चा चेला बन सकता है, वो क्रूस उठाने वाला बन जाता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि क्रूस जो उठाता है वो मेरे पीछे होकर अपना इनकार करके वो मेरे लिए एक योग योद्धा बनता है। अपने आप का इनकार करने का मतलब सभी वस्तुओं और बातों से इनकार करना नहीं, परंतु यह कि अपने आप को पूरी तरह प्रभु यीशु के खातिर उसकी सेवा में दे देना है।
पौलुस कहता है रोमियो 12 पद 1 और 2 में, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चलाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। दूसरा वो कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते चले जाओ। गलातियों 2:20 में वो कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चलाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को उसने दे दिया। प्यारे मित्रों, एक सच्चा प्रभु का जो चेला है वो क्रूस उठाकर एक सच्ची शिष्यत्व के साथ यीशु का अनुकरण करके उसके पीछे वो चलने वाला बन जाता है, यहाँ पर नकारात्मक रूप से एक व्यक्ति को निर्णायक रूप से अपने आपे से इनकार करना अनिवार्य स्वार्थी रुचियों से सांसारिक सुरक्षाओं को नकारते हुए अपने आपे से इनकार करना, अपने व्यक्तित्व का इनकार करना, एक शहीद के रूप में मरना या वस्तुओं से इनकार करना नहीं, परंतु ये स्वयं का इनकार करना स्वार्थ से तथा स्वार्थ के द्वारा अपने जीवन को चलाने के प्रत्येक प्रयास से मुड़ना है। आज बहुत से चेले शिष्य प्रभु यीशु मसीह के अपने आप को कहते हैं, लेकिन वे अपनी अभिलाषाओं में जीने वाले चलने वाले बन जाते हैं। आज क्रूस प्रेम और बलिदान का एक स्वीकृत प्रतीक आपके और मेरे लिए, परंतु उन दिनों में ये क्रूस मृत्यु दंड का एक भयानक साधन था। यीशु ने चेलों के लिए जीवन जीने के 2 उपाय प्रस्तुत किए, अपने आप का इनकार या अपने आप को ले जीना, अपना क्रूस उठाओ या क्रूस को टाल दो, यीशु के पीछे चलो या संसार के पीछे चलो, उसके खातिर अपना प्राण गंवा दो या अपने खातिर अपना प्राण बचाओ, संसार को त्याग दो या संसार को प्राप्त करो, अपने प्राण बचाओ या अपने प्राण गंवा दो, उसके प्रतिफल और उसकी महिमा में भागीदार बनो या उसके प्रतिफल और उसकी महिमा को गंवा दो। बहुत चैलेंज है, बहुत चुनौतियां हैं एक मसीही जीवन में आपके और मेरे लिए, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि मेरा और आपका जीवन इस संसार में उसकी महिमा का कारण बने, एक सच्चे शिष्य के रूप में, कि मैं और आप उस प्रभु के एक सच्चे शिष्य के रूप में संसार में हम उसके एक अच्छे शिष्य बनकर उसका अनुकरण करके उसकी सेवा में आगे और आगे बढ़ते चले जाएं। यीशु ने, तब मैं 28 पद में आता हूँ, यहाँ पर लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी नहीं चखेंगे। यहाँ पर यीशु ने कहा कि कुछ जो यहाँ खड़े हैं वे मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे जब तक कि परमेश्वर का राज्य देख ना लें। शताब्दियों से इस वक्तव्य पर अनेक धर्म वैज्ञानिक और जो फिलोसोफर हैं अनेक मतों का सुझाव वे देते हैं, परंतु 4 सर्वाधिक सुव्यवस्थित मत इस अंतिम पद के विषय में यहाँ पर बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह पेंतेकुस्त पर मसीह प्रचारकों के आरंभ के विषय में ये बात कह रहे थे। निश्चित रूप से अधिकांश प्रेरितों ने पेंतेकुस्त के दिन के कार्यों को देखा, क्योंकि उस समय पर केवल
यहूदा ही मृत था, वो मर गया था इस मसीह के पकड़वाने के बाद। तो प्रभु इस मसीह पिंतेकुस्त के विषय में बता कह रहे थे। दूसरा, यीशु यरूशलेम के विनाश के विषय में कह रहा था। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन पाया कि उसके क्रूसिफिकेशन के बाद कितना बड़ा सताव यरूशलेम में आएगा और उस सताव में प्रभु के फॉलोवर मारे जाते हैं। तीसरा, यीशु का अर्थ था कि चेले उसके साथ नहीं मरेंगे, परंतु उसकी मृत्यु के बाद सुसमाचार का प्रचार वे करेंगे। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बाद, उसके स्वर्गारोहण के बाद, मत्ती 28 का चेले लोग फॉलो करते हैं और सारे जगत में सुसमाचार फैलाते हैं और सुसमाचार के द्वारा वो कलीसिया स्थापित करते हैं। और चौथा और अंतिम, यीशु उन तीन प्रेरितों के विषय में कह रहा था जो उनके साथ रूपांतर के पर्वत पर जाएंगे। माना जाता है कि प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हरमोन पर्वत पर हुआ, जैसे कि लूका 9:27 और मत्ती 17:1-8 और मरकुस 9:2-8 में आप देखते हैं। तो यीशु का चेहरा और वस्त्र उस रूपांतर के दिन बिजली के समान चमकने लगे, इससे जो वहाँ पर उपस्थित थे उन्हें तुरंत स्मरण दिलाया होगा कि मूसा के चेहरे से भी एक तेज प्रकाश चमकने लगा जब परमेश्वर ने उसको सिनाई पर्वत पर व्यवस्था दिया था। और निर्गमन 34:29-35 में आप इसको देख सकते हैं। दूसरा, मूसा और एलिया उस ट्रांसफिगरेशन में, रूपांतर में प्रकट हुए और यीशु ने बातें की। ये चेले देख रहे हैं, पतरस, योहन्ना और याकूब देख रहे हैं और एलिया, यहाँ पर बताया जाता है कि मूसा आपको मालूम है मरा और परमेश्वर ने उसको मिट्टी दिया, मगर उसने मूसा को मिट्टी नहीं दिया, पर परमेश्वर ने उसको मिट्टी दिया, पर एलिया जो है वो उठा लिया गया, एलिया वो जीते जी उठा लिया गया। तो स्वर्ग पर, जैसा दूसरा राजा 2:11-12, तीसरा, मूसा और एलिया ने उसके प्रस्थान के विषय में बातें की जिसे वो यरूशलेम में पूर्ण करने जा रहा था। यीशु मसीह प्रस्थान अर्थात का जाना यीशु के इस जगत को छोड़ने के संदर्भ में था, जिसके द्वारा वो उद्धार संसार के लोगों के लिए लाएगा। उसी प्रकार से जैसे यहोवा ने इसराइली जाति को मूसा की अगुवाई में मिस्र की गुलामी से छुटकारा देकर उनका उद्धार किया, आज ये यीशु आपका मेरा उद्धार करता है। वो कहता है मैंने तुम्हें पापों से छुड़ाया, मैंने तुम्हें सब विपत्ति से छुड़ाया, मैं तुम्हारा उद्धार करता हूँ, मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला हूँ, क्या तुम मेरे पीछे आओगे, क्या तुम मेरा अनुकरण करोगे। प्यारे मित्रों, प्रभु चाहता है कि मैं और आप उसके बलिदान से, उसके क्रूस उठाने से, उसके जीवन में आने के अभिप्राय में होकर, उसके एक सच्चे बेटा और बेटी, उसके शिष्य बनकर इस संसार में हम उसकी महिमा के कारण बने, ताकि आप और मैं जब इस संसार से जाएं, तो मेरे और आपके लिए स्वर्ग में उसके द्वारा वेलकम और स्थान मुझको और आपको मिले, जहाँ आप और मैं प्रभु के साथ हमेशा हमेशा रहकर अनंत काल की आशीषों में, उस परमेश्वर की स्तुति में अपने जीवन को दें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको और मुझको बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने पवित्र वचन से एक सच्चे शिष्यत्व के
भेद को हमारे बीच में प्रकट किया है। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरा और इन सब का जीवन प्रभु तेरे वचन के अभिप्राय को पूरा करने के लिए आशीष का कारण बने, ताकि मेरे और इन सब के जी विश्वास और जीवन के सब प्रकार के धार्मिकता के कार्य को शैतान प्रभु हाँ अलग न करने पाए, लेकिन मैं और आप सब लोग प्रभु के से सेवक बनकर इस संसार में उसके अनुयायी बनकर उसके लिए आत्माओं को बचाने वाले बने। हम सब की सहायता और मदद कर, हम सबको आशीष दे। विनती यीशु मसीह ख्रिस्त के नाम से मांगते सुनो, ग्रहण कर, आशीष दे। आमीन। आइए हम मार्लिक सूचना सुनेंगे और इस समय मिस्टर सैमसन दुबेलाल मल्ली की सूचना सप्ताह सुनाएंगे। सूचना इस प्रकार से है, पिछले सप्ताह जो हमें दान प्राप्त हुआ आराधना से 1300 रुपये, धन्यवादी दान 11,500 रुपये, महामारी दान 26,800 रुपये। आज कुछ जो विशेष दान जो हमें मिले हैं, श्रीमती अनीता एलाज के द्वारा 1,000 रुपये का दान धन्यवादी प्राप्त हुआ है। श्रीमती हीरामणि एहलाद के द्वारा जो दान प्राप्त हुआ 500 रुपये का धन्यवादी दान। डॉक्टर मारियालाल को प्रथम वेतन मिलने की खुशी में उन्होंने 10,000 रुपये का धन्यवादी दान दिया है। श्री पीपले परिवार की ओर से उनकी अच्छी फसल होने की खुशी में उन्होंने 65 किलो गेहूँ धन्यवादी रूप में दिया है। हम इन सभी दानदाताओं को धन्यवाद देते हैं। एक विशेष सूचना जो हम आपको बताना चाहते हैं कि लॉकडाउन के निर्देश अनुसार हमारी जो व्यवस्था अभी नहीं हो पाई है, इसलिए हम चर्च में उस आराधना को अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो पंचायत के द्वारा निश्चित किया गया है वो 5 जुलाई से हम इस आराधनालय में नियम अनुसार आराधना करने पाएंगे। सो इसकी भी जानकारी आपको बाद में बता दी जाएगी, हमारी अभी तैयारी चल रही है। सो हम इसको अति शीघ्र ही 5 जुलाई से आराधनालय में हम आराधना करने के लिए उपस्थित होने पाएंगे। धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर ऑपरेटर ही गाएंगे, टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग बलिदान। परमेश्वर के योग हम गीत गाते हुए अपनी भेंट को परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित करेंगे। नंबर का है मसूर, क्या कुछ
ईश्वर शक्तिमान दयालु प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं जब आप हमें इस योग्य बनाते कि हम आपके वचन और आज्ञाओं के अनुरूप कार्य करें। आपने सिखाया कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। आपकी आज्ञा अनुसार उन समस्त सेवाओं के लिए जो इस कलीसिया के द्वारा समाज में विभिन्न रूपों में की जाती है, कृषि और सोशल वर्क के रूप में हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने प्रभु हमारी कलीसिया में शैक्षणिक संस्थाओं के साथ कृषि और सामाजिक कार्य के विभिन्न प्रभु प्रोजेक्ट को दिया है जो कि तेरी महिमा के लिए किए जाते हैं। हमारी विनती और प्रार्थना है कि तू इन सब पर अपनी महान आशीष को उड़ेल और होने दे प्रभु की इन सेवाओं के द्वारा कलीसिया आत्मिक और आर्थिक उन्नति में निरंतर बढ़ती चली जाए।
जो लोग लाचार, गरीब और दुखी हैं, हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं कि तू उन पर दया कर, उनकी लाचारी, उनकी गरीबी को दूर कर। विशेष रूप से कृषि कार्यों में, जबकि अब रेनी सीजन प्रारंभ हो गया है और किसान उन्होंने खेत में मेहनत की और जो कुछ भी वे अनाज बोते हैं, तो तेरी अनुग्रह से 100 गुना फल उनको प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए जो बीमार और दुखी और लाचार हैं, तेरी चंगाई की दृष्टि उन पर हो कि वे चंगे होकर तेरे नाम का गुणानुवाद और धन्यवाद करें। हम पुनः प्रार्थना करते हैं प्रभु इस विश्व से कोरोना वायरस की महामारी को दूर कर, ताकि पूरे विश्व में प्रभु अमन चैन और शांति पाई जाए। सबको स्वस्थ बना, सबको स्वस्थ रख कि वे तेरे सुकार को अपने जीवन में सदा स्मरण करके तेरा धन्यवाद करें। हे स्वर्ग पिता, हम प्रार्थना करते हैं जो लोग यात्रा करते हैं, जो लोग अपने गांवों पर वापस जाते हैं, उन सबों की तू अगुवाई करना। विशेषकर हम अपने सारे छोटे और जवान बच्चों को तेरा अनुग्रह के हाथ में रखते हैं, विनती करते हैं प्रभु कि उन्हें अपनी बुद्धि और ज्ञान में बढ़ाना उन्हें दे। जैसे शिक्षण संस्थाएं का प्रारंभ होती प्रभु, हमारे बच्चे उत्तम शिक्षाओं को प्राप्त करके भविष्य में उन्नति पाएं। सभी प्राध्यापक, शिक्षक, शिक्षिकाओं को अपने अनुग्रह की आशीष प्रदान करना। आज विशेष रूप से कलीसिया कैलेंडर के अनुसार निवेदन किया गया कि हम अपने पड़ोसी मंडली सारणी के लिए प्रार्थना करें। प्रभु, हम सारणी कांग्रीगेशन के लिए प्रार्थना करते हैं, तू उस मंडली को अपनी आशीष दे। साथ में हमारी कलीसिया की समस्त मंडलियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो विभिन्न जगहों पर स्थापित हैं और तेरे नाम की सेवा करते हैं, विश्वासी पाए जाते हैं, सब पर तेरा अनुग्रह और आशीष बनी रहे। सारा आदर, सम्मान और महिमा हम सब मिलकर आपको देते और धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधी को क्षमा किया वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और परीक्षा में न ला पर बुराई से बचा, क्योंकि सदा तेरे है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद का रो अपने अपने हृदय परमेश्वर के सामने झुकाकर आशीष ग्रहण करिए। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर फेरे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। आइए हम सब मिलकर 737 नंबर का गीत गाकर अपनी इसी रविवारी आराधना का समापन करेंगे। गीत नंबर 737। राजा, जगत के राजा।
राजा का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से इस पवित्र रविवार में बहुत आयत की आशीष और शांति मिलती रहे। प्रभु यीशु की आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी सेवा में जाए और ये सप्ताह आप सबों के लिए आशीषमय और सुरक्षा और सब प्रकार की भलाइयों का सप्ताह आशीष में मिले। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की।